के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। विंग कमांडर अभिनंदन के स्वदेश वापसी पर बोले सीएम योगी, पूरी दुनिया में बोल रहा है नए भारत का शौर्य और पराक्रम। नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाने का नाम ही मोदी है। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का सीएम योगी व केंद्रीय कृषि मंत्री ने फीता काट कर किया लोकार्पण। कहा 2022 तक होगा किसानों की आय दोगुनी। लागू हो रही है किसानों के लिए तमाम योजनाएं। पीपीगंज के चौक माफी स्थित महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन और किसान मेले कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम ने कहा, नई वैज्ञानिक तकनीक से होगा किसानों का जीवन खुशहाल। दिया गया 5-5 किसानों को मृदा परीक्षण तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। महापौर और नगर आयुक्त की निगरानी में साकुशल संपन्न हुआ नगर निगम कार्यकारिणी समिति का चुनाव। अजय राय, राजेश तिवारी, संजीव सिंह सोनू, राम भुवाल और उजैर अहमद और सभी कुमार बने कार्यकारिणी के नए सदस्य। भाजपा के विजय संकल्प बाइक रैली को सीएम योगी ने झंडा दिखाकर किया रवाना। 2019 में फिर से मोदी सरकार बनाने की अपील। भाजपा ने निकाली विजय संकल्प बाइक रैली, सरकार की योजनाओं का दिया संदेश। कहा 2019 में बनाए मोदी सरकार। जिला चिकित्सालय में खत्म हुआ एंटी रेबीज वैक्सीन, मरीज हो रहे परेशान। जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक ने कहा, डिपो से नहीं हो रही है ARV की सप्लाई। भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान की कैद से सकुशल भारत वापसी होने पर कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने केक काट कर किया अपनी खुशी का इजहार। जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुई समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी बूथ कमेटियों को सक्रिय रहने पर किया गया विचार विमर्श। एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली का महापौर ने किया शिलान्यास। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 9 चौराहों पर लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने लगाई पंचायत। विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। और महाराष्ट्र एकादश मुंबई और ग्वालियर के बीच होगा अखिल भारतीय प्राइज मनी महिला आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच।